हेलो दोस्तों, कपिल साहू रेलवे इन्फॉर्मेशन चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। हम यहाँ पर रेलवे आरडब्ल्यू बेंगलोर ज्वाइनिंग के लिए आए हैं। 21 तारीख को ये मेरा ऑफर लेटर, जो कि 21 जून को हमें यहाँ पर बुलाया गया था और अभी तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। मतलब 5 से 6 दिन हमें यहाँ पर आए हुए हो गए हैं, अभी तक हमें अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया। तो ये लेट होने का क्या कारण है, तो उसके बारे में पूरा मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, पहले दिन हमारे साथ क्या हुआ। और आप बस ध्यान से सुनते जाइए, क्योंकि आप भी अब ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो हो सकता है आपको भी 5 से 7 दिन लग जाए, हो सकता है 10 दिन लग जाए, हो सकता है मे बी पॉसिबल 15 दिन भी लग सकते हैं। और अभी जो है बाकी अदर डिवीजन में, अदर जोनों में कम से कम 15 दिन भी लग जा रहा है। तो आप आएंगे तो पूरी फुल व्यवस्था के साथ आइए, ताकि हो सकता है कि आपका यहाँ पर खर्चा 5 to 10,000 या 20,000 हो जाए फर्स्ट मंथ। इसलिए पूरी फुल व्यवस्था से आइए। क्या हुआ, जब हम 21 तारीख को यहाँ पर रिपोर्टिंग करा हमने मॉर्निंग में, तो फर्स्ट डे इन्होंने मीटिंग हॉल में ले गए और सारा फाइल डॉक्यूमेंटेशन जो भी हमें अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह सारा फिलअप करवाया गया, टोटली जो भी है पूरा यहाँ पे जमा किया गया, पूरी फाइल तैयार की गई, साइन वगैरह सब करवा लिए गए। पहला दिन ये शुरू से लेके सुबह मॉर्निंग 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक यही सारी प्रोसेस चलती रही। फिर नेक्स्ट डे बुलाया गया। नेक्स्ट डे में क्या हुआ कि सीनियर जो हैं APO सर वगैरह जो हैं, उन्होंने फिर से हमें जो मेन जो फाइल बनी है पूरा सब पूरा वन बाय वन चेक करा, उस पर साइन करे, उस पर सील वगैरह लगाई गई, फाइल कंप्लीट की गई। सेकंड डे ये प्रोसेस करा गया और बोला गया कि शाम तक आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। फिर हम वेट करते रहे बाहर आकर। उसके बाद हमारी जो फाइल है, हम यहाँ पर बेंगलोर RWF में स्टोर डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, स्टोर डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने आए हैं, तो वो हमारी जो फाइल बनी थी वो स्टोर डिपार्टमेंट में गई, वहाँ से उस दिन वापस नहीं आई, जो भी रीज़न रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट डे हमको फिर बुलाया गया, मतलब ये तीसरे दिन हमें सेकंड डे निकल गया, थर्ड डे फिर वापस हमको बुलाया गया कि आप आइएगा थर्ड डे को मॉर्निंग में। तो स्टोर डिपार्टमेंट जो भी है डिपार्टमेंटेशन, मतलब उसमें भी स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, जो किस व्यक्ति को एजुकेशन के हिसाब से कौन सा पोस्ट देना है, कौन सा काम करवाना है, तो उस हिसाब से उन्होंने उसमें टाइम लगा दिया, ठीक है। मॉर्निंग में बुलाया, बोला कि इवनिंग में आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ तक उस दिन भी स्टोर डिपार्टमेंट से फाइल नहीं लौट के आई। उनका कहना ये था कि यहाँ पर अभी कुछ कैंडिडेट हैं जो एक्सेस हैं, जिनका डिपार्टमेंट अभी चेंज होना बाकी है, और कुछ लोग हैं जिनका डिवीज़न ट्रांसफ़र होना अभी बाकी है, तो उसमें अभी टाइम लग रहा है, हमें यहाँ पर ये बताया गया। बोले आप नेक्स्ट डे आइए, मीन्स हमसे 24 तारीख को बोला गया, 23 तारीख को बोला गया कि आप 24 तारीख मतलब अगले नेक्स्ट डे पे आइए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट डे वहाँ पर पहुँचे, तो उसके बाद वहाँ पर उन्होंने मॉर्निंग में बोला कि अभी टाइम लग जाएगा, अभी वहाँ से फाइल नहीं आई है, ठीक है, अभी आपको हो सकता है कि 4 से 5 दिन लगे, ठीक है, आप वेट करिए। और हमारे पास उस दिन 24 तारीख मतलब सैटरडे को 12 बजे मैसेज आया हमारे ग्रुप पर कि आपकी फाइल आ चुकी है, आप आ जाइए, ठीक है। हम वहाँ पर पहुँचे, लेकिन उन्होंने फिर बोल दिया कि अभी सर जो मेन हेड है स्टोर डिपार्टमेंट के, वो लीव पर चले गए हैं, आप सीधा क्या होता है हाफ टाइम होता है सैटरडे और संडे को पिकअप होता है, तो उस दिन भी हमें रोक दिया गया, बोले आप मंडे को आइए, मंडे को आपको कन्फर्म कर दिया जाएगा। तो आज हम मंडे पे हैं और अभी तक हमारा अपॉइंटमेंट लेटर हमारे पास अभी नहीं आया है। अभी फिर से हमें आज मॉर्निंग बुला करके फिर से बोल दिया गया है कि 2 बजे आप आइए। उन्होंने रीज़न यही दिया है कि कुछ डिपार्टमेंट स्टोर में, स्टोर डिपार्टमेंट या कोई से डिपार्टमेंट है, वहाँ से कुछ 15 से 16 बंदे वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हैं, वर्कशॉप में जाना चाह रहे हैं, तो उनका जो ट्रांसफर की जो प्रोसेस है उसमें टाइम लग रहा है मेनली। उन्होंने कहा कि अभी जो वैकेंट सीट वैकेंट नहीं है, जैसे सीट वैकेंट होगी आपको अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। तो मेन रीज़न जो है कि ये है कि जो ट्रांसफ़र की जिन्होंने डाली है, एक तो जोन ट्रांसफ़र का, दूसरा डिवीज़न ट्रांसफ़र का, तीसरा है डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र का, ये 3 मेन रीज़न है कि इनका जब बंदों का ट्रांसफ़र रिलीफ लेटर आ जाता है, मेल आ जाता है, वो यहाँ से जब तक रिलीफ नहीं होंगे तब तक न्यू कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा। मतलब उसी में टाइम लग रहा है मेनली। आपको जो डेट दे दी गई है कि आप 20 तारीख को आइए, 30 तारीख को आइए या फिर 5 तारीख को आइए, तो 1 वीक 10 डेज और 15 डेज जो लग रहा है टाइम लग रहा है, उसके पीछे मेन रीज़न यही है, क्योंकि वहाँ पर सीट वैकेंट नहीं है, जैसी सीट वैकेंट होगी उस टाइम आपको अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। तो अब आपको आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आप जब भी आएँ तो आप सब कम से कम 7 डेज का बैकअप बना कर आएँ। यहाँ पर आके जो लॉज सस्ती है या फिर डोमेट्री वगैरह जो है, या फिर आप आते से ही 8 से 10 दिनों के लिए पीजी, आप पीजी में रुक सकते हैं, जो आपके लिए कॉस्टली नहीं पड़ेगा, ठीक है। और या अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करके उनके यहाँ पर आप रह सकते हैं, ठीक है। और मैं आगे बता दूं कि आपकी ज्वाइनिंग के लिए मैसेज बहुत आते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग कब आएगी, इस डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग कब आएगी, है हमें कब बुलाया जाएगा। देखिए मेन रीज़न यही है जो आपको बता चुका हूँ, इसमें लग रहा है टाइम, और हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग के लिए
दो महीने चार महीने इतना समय भी लग सकता है। तो आप ये मत सोचिए कि आपकी जॉइनिंग नहीं हुई, आपकी जॉइनिंग होना कन्फर्म है, बट ये डिपार्टमेंट में यहाँ पे कुछ चीज़ें खाली कर मतलब वैकेंट सीट वैकेंट नहीं है, इसलिए शिफ्ट वाइज थोड़े थोड़े कैंडिडेट आपको बुला रहे हैं और धीरे धीरे आपको हो सकता है 2 से 4 महीना या भी वेट करना पड़ जाए, क्योंकि कुछ डिवीजन स्लोली आपको अपॉइंटमेंट कर रहे हैं और कुछ फास्ट तरीके से अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। मेरा RWF है बेंगलोर, तो यहाँ पर सबसे फास्ट तरीके से हो रहा है। तो फास्ट तरीके से में भी देखो कि TM वाले आए थे, ट्रैक मैटर वाले, उनका एक ही दिन में सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी और नेक्स्ट डे से उनकी ट्रेनिंग चालू करवा दी गई है। ऐसा भी नहीं है कि 7-5 दिन लगेगा, 7 दिन लगेगा, 15 दिन लग जाएगा, ऐसा भी नहीं है, वो आपके कैंडिडेट के ऊपर है। सपोज अगर जैसे ट्रैक मैटर वालों को सिर्फ 6 कैंडिडेट बुलाए थे, 6 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंटेशन 2 घंटे में कंप्लीट हो गया था, उनको सिर्फ उनके जो सीनियर्स आए उन्होंने कंप्लीट चेक करा, साइन करा और एक ही दिन में ओथ दिलवा दी और नेक्स्ट डे से उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। मतलब इनकी एक ही दिन की प्रोसेस थी। ऐसा नहीं है कि वो आपकी किस्मत के ऊपर है कि आपको कितना टाइम लग रहा है ना। आप फुल प्रिपेयर होकर आइए और मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, कैसे कैसे भरना है और कौन कौन सी कितनी कॉपीज लग रही हैं, यहाँ पर कितनी फोटोज लगी, सारे आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।